आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि मैंने आपको बताया था उसका उपयोग नाम या फिर नाउन के बदले किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं प्रोनाउंस। और पॉजिटिव यानी कि अपना हक जताने वाला व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स सच एज माय, योर्स, हीज, हर, इट, अवर्स, योर, देयर, व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड अलोंग विथ अ नाउन। यानी कि ये जो सारे हैं माय, योर, हीज, हर, इट, अवर, योर, देयर, व्हिच, ये सो सारे वर्ड्स है पॉजिटिव प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, अपना हक जताने वाला व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, दिस बुक इज माई, तो यहाँ पे दिस क्या हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पे दिस क्या हुआ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दिस यानी कि ये बुक, और क्या लिखा है दिस बुक इज माइन, माइन यानी कि मेरी, तो यहाँ पे इस बुक पे किसका हक है मेरा, माइन यानी कि मेरा। तो मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया, दिस बुक इज माइन यानी कि ये जो बुक है वो मेरी है, तो उसमें क्या हुआ अपना हक, तो ये जो बुक है वो किसकी है मेरी है, तो यहाँ पे किसका हक हुआ मेरा, तो वो क्या हुआ पॉजिटिव नाउंस यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे माइन भी वो क्या होता है ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या मैंने एग्जांपल दिया, दिस बुक इज माइन, तो दिस क्या हुआ उसमें सब्जेक्ट और माइन क्या हुआ पॉजिटिव प्रोनाउंस और उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए माई, योर, हीज, हर, इट, अवर, योर, देयर, व्हिच, ये जो सारे वर्ड्स है वो किसके लिए यूज होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एक भी एक एग्जांपल दिया है, दिस इज माय टॉय, तो उसमें टॉय क्या हुआ एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे टॉय क्या हुआ एडजेक्टिव प्रोनाउंस, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस, दिस टॉय इज माइन यानी कि ये जो टॉय है खिलौना वो मेरा है, तो उस खिलौने पे किसका हक है मेरा, तो वो क्या हुआ अपना हक, तो यहाँ पे माइन क्या हुआ पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे एक कोष्टक दिया है जिसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है माइन, तो यहाँ पे हमने आगे भी जो हमने आगे पर्सनल प्रोनाउंस में लिखा था फर्स्ट पर्सन में क्या लिखा था आई और माई, तो उसका सिंगुलर फॉर्म पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या बनेगा माइन। और वैसे ही हमने आगे पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में क्या लिखा था वी, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा अवर्स। तो अगेन मैं आपको बताती हूँ कि हमने पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन में क्या देखा था आई और माई, तो उसका सिंगुलर फॉर्म पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या बनेगा माइन। और वैसे ही प्लूरल फॉर्म में हमने आगे पर्सनल प्रोनाउंस में क्या देखा था वी, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा अवर्स। फिर हमने सेकेंड पर्सन में आगे पर्सनल प्रोनाउंस में क्या देखा था यू, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा योर्स। फिर नेक्स्ट आगे हमने थर्ड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउंस में क्या देखा था सिंगुलर फॉर्म में ही, सी, इट, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस में सिंगुलर फॉर्म में क्या बनेगा हीज, हर्स, इट्स। तो यहाँ पे हमने आगे देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो सिंगुलर फॉर्म था थर्ड पर्सन में उसमें ही था, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या बनेगा हीज, सी का क्या बनेगा हर्स, और इट का क्या बनेगा इट्स। और वैसे ही पर्सनल प्रोनाउंस में हमने प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन में क्या देखा था दे, देम, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा देयर्स। अगेन मैं आपको बताती हूँ आई और माई का क्या बनेगा माइन, वी का क्या बनेगा अवर्स, यू का क्या बनेगा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में योर्स, यहाँ पे ही, शी, इट का क्या बनेगा हीज, हर, इट्स, और यहाँ पे दे और देम का क्या बनेगा देयर्स। तो यहाँ पे ये जो सारे सिंगुलर फॉर्म दिए हैं माइन, योर्स, हीज,
हर इट्स, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, ओवर्स योर्स देयर्स। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर ई, फिल इन द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउंस, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउंस दी है उसमें से जो सेट होता हो करेक्ट हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, दीज अम्ब्रेला बिलोंग्स टू मी, दीज अम्ब्रेला इज माइन, यानी कि ये जो अम्ब्रेला है वो मेरी है, तो उसका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, माइन। फिर नेक्स्ट है, दीज हाउस डजंट बिलोंग टू अस, इट इज नॉट अवर्स, इट बिलोंग्स टू देम, इट इज देयर, यानी कि ये जो हाउस है वो मेरा नहीं है, तो यहाँ पे उसका प्लूरल, यहाँ पे उसका पॉजिटिव नाउंस क्या बनेगा, इज इन नॉट अवर्स, यानी कि ये जो हाउस है वो हमारा नहीं है, इट इज बिलोंग टू देम, यानी कि ये जो हाउस है वो उनका है, इट इज देयर्स, यानी कि ये जो हाउस है वो वहाँ पे है, देयर्स यानी कि वहाँ पे है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द बुक टू हर, दिस बुक इज हियर्स, यानी कि यहाँ पे बताया है कि ये जो बुक है वो हर, यानी कि वो कोई लड़की, हर यानी कि कोई लड़की, ये जो बुक है वो उस लड़की की है, दिस बुक इज हियर्स, यानी कि यहाँ पे हर का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, हर्स, तो दिस बुक इज हियर्स। फोर्थ पे क्या लिखा है, यू आर अ टॉल मैन, दीज लॉन्ग प्लांट्स इज मस्ट टू बी योर, तो यहाँ पे यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, योर्स। फिर नेक्स्ट क्या है, सिमी शोड मी अ हाउस, इट्स दैट योर हाउस रियली हियर्स, यहाँ पे सिमी क्या है, कोई लड़की का नाम, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, हर्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मी का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, माइन, यहाँ पे अस का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, अवर्स। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, हर का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, हियर्स। फिर नेक्स्ट हमने देखा यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, योर्स, और यहाँ पे हमने देखा सिमी यानी कि कोई लड़की का नाम, तो वो क्या हुई, हर, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, हर्स। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, रिलैक्सिंग प्रोनाउंस, तो यहाँ पे लिखा है रिलैक्सिंग प्रोनाउंस शो द एक्शन गोइंग बैक ऑन टू द डोर इन द सेम सेंटेंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ आर रिलैक्सिव प्रोनाउंस, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ, ये जो सारे हैं वो रिलैक्सिंग प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस किससे कहते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस यानी कि निजवाचक सर्वनाम। रिलैक्सिव प्रोनाउंस का उपयोग वाक्य में तब होता है जब वाक्य में क्रियापद का कर्ता और कर्म एक ही हो, यानी कि कोई सेंटेंस दिया हो उसमें कार्य करने वाला और किसके लिए कार्य किया जा रहा है या फिर किसका कार्य है वो एक ही बताया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस। अगेन रिलैक्सिव प्रोनाउंस किससे कहते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस का उपयोग वाक्य में तब होता है जब वाक्य में क्रियापद का कर्ता और कर्म एक ही दिया हो, यानी कि सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है वो एक ही दिया हो उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई लव माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को बहुत ही लव करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई लव माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, और माई सेल्फ क्या हुआ, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, तो आई भी मैं हूँ और माई सेल्फ यानी कि वो भी मैं हूँ, तो दोनों क्या हुआ, एक ही हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सिव प्रोनाउंस। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सी क्लाइम्ब्ड हिज वॉल हरसेल्फ, तो यहाँ पे सी क्या हुआ, कोई लड़की यानी कि कोई भी लड़की दी हो जिसका नाम कोई भी दिया हो, सी यानी कि लड़की, और हरसेल्फ यानी कि भी कोई लड़की ही बताया होगा, तो वो दोनों क्या हुआ, एक ही हुआ, वो दोनों ही लड़की के लिए यूज़ होता है, सी और हर सेल्फ दोनों ही लड़की के लिए यूज़ होता है,
तो वो क्या हुआ, रिलेक्सिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ को ये जो लिखा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, वो क्या है, एकवचन। एकवचन यानी कि सिंगुलर। और यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ, देम सेल्फ, वो क्या है, बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ कि ये जो लिखा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, वो क्या है, सिंगुलर। और यहाँ पे लिखा है अवर सेल्स, देम सेल्स, वो क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पे जिसके पीछे सेल्फ आता है एस ई एल फी, तो वो क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि एक वचन। और जो वर्ड यहाँ पे जिसके पीछे एस ई एल वी ई एस आता हो, सेल्फ्स यानी कि बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, वो क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। और यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स, वो क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो आपको ये याद रखना है कि जिस वर्ड के पीछे सेल्फ लिखा होता है या फिर दिया होता है वो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। और जिसके पीछे एस ई एल वी ई एस दिया हो, सेल्फ्स, तो वो बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एफ, फिल इन द रिलेक्सिव प्रोनाउंस। रिलेक्सिव प्रोनाउंस यानी कि अगेन कि जिस सेंटेंस में यानी कि जिस वाक्य में हमें कर्ता और कर्म एक ही दिया हो उसको क्या कहते हैं, रिलेक्सिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, वी क्लीन्ड द हाउस, यानी कि हमने जो हाउस है वो साफ किया। तो उसका क्या होगा, अवर सेल्फ यानी कि अपने, यानी कि वी क्लीन द हाउस अवर सेल्फ्स। फिर नेक्स्ट वी यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, तो उसका एक से ज़्यादा यानी कि बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो उसमें क्या होगा, अवर सेल्फ्स। फिर नेक्स्ट क्या है, आई रॉट दीज लेटर, यानी कि मैंने ये लेटर लिखा, मैंने यानी कि आई, तो आई के लिए आई क्या हुआ, एक वचन, मैं यानी कि एक ही, तो उसके लिए रिलेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होगा, माई सेल्फ। फिर नेक्स्ट है सी फेल डाउन एंड हर्ट, तो उसका क्या आंसर होगा, हर सेल्फ। सी यानी कि कोई लड़की, सी यानी कि कोई लड़की, तो उसका क्या होगा, हर, तो कोई एक लड़की दी है, तो उसका रिलेक्सिव प्रोनाउंस क्या होगा, हर सेल्फ। फिर नेक्स्ट फोर क्या लिखा है, दे अरेंज द पार्टी देम सेल्फ। दे यानी कि वो लोग, तो वो लोग एक से ज़्यादा होते हैं, कितने होते हैं वो हमें परफेक्ट नहीं दिया है, दे यानी कि वो लोग, तो वो लोग कितने हैं, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो क्या होगा, देम सेल्फ्स यानी कि वो लोग। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पे क्या लिखा है, डू नॉट प्ले हियर यू विल हर्ट योर सेल्फ। डू नॉट प्ले हियर यानी कि आप लोग यहाँ पे खेल नहीं सकते हो, आप लोग यानी कि यू, तो क्या हुआ, डू नॉट प्ले हियर यानी कि तुम यहाँ पे खेल नहीं सकते हो, तो तुम के लिए क्या यूज होता है, यू विल हर्ट, तो यू क्या हुआ, एक ही, कोई एक ही के लिए यूज हुआ है यू, तो उसका यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में रिलेक्सिव प्रोनाउंस क्या होगा, योर सेल्फ। तो यहाँ पे हमने बताया कि पजेसिव प्रोनाउंस किससे कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस यानी कि अपना हक जताने वाला व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए पजेसिव प्रोनाउंस का यूज होता है। और रिलेक्सिव प्रोनाउंस यानी कि कोई एक वाक्य दिया हो जिसमें कर्ता और कर्म एक ही दिया हो तो उसको क्या कहते हैं, रिलेक्सिव प्रोनाउंस। हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि संकुचन, यानी कि किसी चीज़ को छोटा कर देना, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, वी कैन मेक अ प्रोनाउन शॉर्टर बाय रिमूविंग लेटर फ्रॉम इट एंड एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी इन इट्स प्लेस, सच अ वर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्स्ट्रक्शन।
तो ये जो साइन है वो किसका है, एपोस्ट्रोफी एस। दो सेंटेंस के बीच में उसको छोटा करके एक वर्ड बना देना, उसके बीच में ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। तो ये जो एपोस्ट्रोफी का मार्क दिया है वो लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या किया है, क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि दो वर्ड या फिर दो से ज़्यादा वर्ड को मिला करके छोटा करके एक सिंगल वर्ड बनाना, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। अगेन कंस्ट्रक्शन किससे कहते हैं, दो वर्ड या फिर दो से ज़्यादा वर्ड को मिला करके छोटा करके एक सिंगल वर्ड बनाने की प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई एम। तो उसका शॉर्ट वर्ड कैसे बनेगा, आई और पास में एम, तो बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ का मार्क। फिर यहाँ पे लिखा है आई हैव, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, आई और वीई और बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ का मार्क। फिर आई विल का बनेगा एस ए, आई विल। यू आर का बनेगा यू आर ई। फिर यू हैव का बनेगा यू वी ई। यू विल का बनेगा यू डबल एल। फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, वी आर, तो वी आर का कैसे बनेगा शॉर्ट नेम, वी ई आर ई। वी हैव का बनेगा वी डब्ल्यू ई वी ई। फिर वी विल का बनेगा डब्ल्यू ई डबल एल। तो ऐसे हमें ये जो वर्ड दिए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाना होता है, आई एम का ऐसे, आई हैव का ऐसे, आई विल का यू आर, यू हैव यू विल, वी आर वी हैव वी विल। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बना के दिया है, तो ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं छोटे छोटे बना के उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। यानी कि देखा हमने यहाँ पे कि जो वर्ड्स दिए हैं उनको मिला के एक छोटा वर्ड बना लेना, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो ये इन वर्ड्स का यूज़ करके हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं क्या लिखा है, राइट द करेक्ट कंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो सारे कंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें से जो सही वर्ड आता हो वो हमें करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट है स्नेहा, तो क्या है, आई एम स्नेहा, यानी कि मैं स्नेहा हूँ। तो उसका शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, आई एम और बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ। फिर नेक्स्ट है टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन यानी कि वी हैव। तो यहाँ पे वी हैव का शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, डब्ल्यू ई वी ई और बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ। फिर थर्ड पे लिखा है अ स्पाइडर ऑन योर हेयर, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है वो लड़की को कह रहा है कि स्पाइडर ऑन योर हेयर, यानी कि जो स्पाइडर है वो तुम्हारे हेयर में है। तो वो एक लड़का है वो एक लड़की को बता रहा है, तो उसको क्या कर, वो क्या कह रहा है, यू हैव यानी कि तुम्हारे बालों में, तो क्या होगा, यू हैव। तो उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसा बनेगा, यू वी ई और बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, सॉरी मैम, वी आर सॉरी मॉम, यानी कि यहाँ पे देखिए जो लड़का है वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि सॉरी माँ, वो दोनों लड़के हैं वो अपनी मम्मा को बता रहे हैं कि सॉरी मम्मा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी आर, तो उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, डब्ल्यू ई आर ई और उसके बीच में क्या आएगा, एपोस्ट्रोफ। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, आई हैव नॉट ब्रोकन इट, यानी कि मैंने ब्रोकन यानी कि तोड़ा नहीं है। तो उसका आई हैव, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, आई वी ई तो बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पे ऐसे जो कंस्ट्रक्शन के वर्ड दिए है उसका यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एच, पुट द एपोस्ट्रोफ इन द राइट प्लेस। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके बीच में जहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी आता हो वहाँ पे प्लेस पे हमें एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिया है वी है, तो डब्ल्यू ई और वी ई के बीच में आएगा एपोस्ट्रोफी। फिर नेक्स्ट है आई हैव, तो आई और वी ई के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। फिर थर्ड पे लिखा है दे आर, तो उसका टी एच ई वाई और आर ई के बीच में होगा एपोस्ट्रोफ। फिर फोर्थ का क्या बनेगा, दे हैव, तो दे और वी ई के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफ। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, वेयर आर,
तो यहाँ पे वी आर लिखा होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ई और आर ई के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। फिर थर्ड सिक्स पे क्या होगा, आई विल, तो आई और डबल एल के बीच में होगा एपोस्ट्रोफी। फिर सेवन पे है यू हैव, तो यू और हैव के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है आई एम, तो आई और एम के बीच में होगा एपोस्ट्रोफी। फिर नेक्स्ट है यू आर, तो यू और आर के बीच में होगा एपोस्ट्रोफी। फिर नेक्स्ट है सी इज, तो सी और इस को ऐसे छोटा करके बनाया है, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना के दिए हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। फिर नेक्स्ट है इलेवन में ही इज, तो ही और एस के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। फिर ट्वेल्थ पे लिखा है दे विल, तो दे और डबल एल के बीच में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स बना के दिए है कंस्ट्रक्शन के, उसके बीच में जहाँ पे एपोस्ट्रोफी आता हो वहाँ पे हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कंस्ट्रक्शन किससे कहते हैं, तो जो एक वर्ड या फिर एक से ज़्यादा वर्ड दिया हो उसको छोटा करके, उसको सबसे पहले मिला के उसको छोटा करके एक सिंगल वर्ड बनाना, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।